पवित्र नवरात्रि हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। माँ दुर्गा आपणकर समस्त कष्ट समस्या को दूर करंतु, आपणकर गृह को धनधान्य परिपूर्ण करंतु। बंधुगण आपणकर फायदा पाई ए वीडियो को थरे मात्र शेष जाए निहाती देखंतु। नवरात्रि रे पिंधि दियंतु निजर गळारे एही गच्छर चेर को, भाग्य आपणकर साथ देव। आपण बनिजीबे कोटिपति, जेउ क्षेत्र को आपण जिबे सेठारे आपणकु सफलता निश्चिंत मिलिबो। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाय अछि कि केते एमिति वृक्षलता होइथांति जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाय थाए, केते एमिति वृक्षलता होइथांति जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देइथांति। खास कथा एहा अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करिथांति बरं औषध रूप से मध्य प्रयोग करते प्रकार बेमारी को ठीक करिथाए। एवं वेद पुराण में मध्य केते प्रकार वृक्षलता मानकर उल्लेख रही अछि, जेमिति कि तुलसीर गछ, ओस्त गछ, बर गछ, एमानंकर ही अधिक महत्व रही थाए। बंधुगण जदि आपण देखिथिबे आमे समस्ते ओस्त गछर पूजा कोन पई करिथांति, आमे ओस्त गछर पूजा कोन पई करिबा दरकार। बट सावित्री जेउ माने व्रत रखि थांति माँ भौणी माने ओस्त गछर पूजा कोन पई करिथांति, काहिंकि ना वृक्षलतारे किछि एमिति अलौकिक चमत्कारी शक्ति रही थाए जहार प्रभाव रे कम समय रे आपणंकु भल परिणाम देखिबाकु मिलिथाए। तो आज आपण नवरात्रि समय रे ताबिजरे भरिकरि पिंधिदेवे एही गछर चेर को, देखिबे खूब शीघ्र आपणंकु भाग्यर ताला खुलिजिव। देखंतु एही जेउ नवरात्रि रो समय होइथाए एही समय मध्य रे नवदुर्गांको आशीर्वाद प्राप्त करिवार सबुठारु भल समय माना जाइथाए। जेउ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिवाकु चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिवाकु चाहुछंती, धन धान्यर कामना थाउ, समृद्धि प्राय पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्यर प्राप्ति करिवाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुथांती आपणंकर जीवनरु दुर्भाग्य दूर होइ जाउ, आपणंकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणंकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तो आपण आजिर एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मु आपणंकु नवरात्रि समय रे धारण करा जाउथिबा पांचोटी चेर विषय रे कहिबी। पांचोटी चेर मध्यरु कोनोसी भी गुटिए चेर आपण अवश्य धारण करिवे, आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। वृक्षलता मध्यरे बहुत बेसी चमत्कारी शक्ति रहिथाए, आपण मानंतु अबा न मानंतु आमे जीवन काल रे केते सबु वृक्षलता को प्रयोग करी केते सबु जटिल रु जटिल रोग को ठीक करिताउ। सेथिपाई जेउ वृक्षलता होइथांती केउठी ना केउठी धार्मिक दृष्टिकोण रु आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु आमको फायदा पहुँचाई थाए। सर्वप्रथमे तो आपण नवरात्रि रो 9 दिन मध्यरे आपण केउनोसी भी दिन एही वृक्षलतार चेर को नेई आसंतु एवं आपण एहाकु पूजा करी आपण एही चेर को धारण करिपारिबे। आपणंकु सेही समस्त जिनिस प्राप्त हेबो जेउ जिनिस आपण प्राप्त करिबाकु मनरे चाहुछंती। बंधुगण महंगा रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिबे तेबे ताहाठारु अधिक भल परिणाम आपणंकु प्राप्त होइपारिबो। बंधुगण सर्वप्रथमे तो एही वृक्षलतार चेर को आणिबा परे आपणंकु कोण करिबाकु पडिबो, एहाकु देवी प्रतिमा परि 9 दिन पर्यंत पूजा करिबाकु होइथाए। जेमिति माता नवदुर्गांको पूजा करिथांती ठीक सेही प्रकार एही वृक्षलतार चेर को आणी 9 दिन पर्यंत आपणंकु पूजा करिवार अछि। एवं दशम दिन जेउ विजय दशमी होइथाए सेही दिन चांदीर ताबिजरे पुड़ाई पिंधिबाकु पड़िबो। चांदीर ताबिज पाई जदि आपणंक पाखरे संबल नाही तेबे आपण तंबार ताबिज मध्य धारण करिपारिबे। तो तेबे आसंतु आमे जानिबा कि केउ वृक्षर चेर को आमे नवरात्रिर 9 दिन मध्यरे आणी ताकु धारण करिबा दरकार। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गुटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा अवश्य लेखंतु। सर्वप्रथमे आपणंकु चमेली गछर चेर आणिबा दरकार। चमेली गछर चेरर फायदा बताइबाकु चाहिबि। चमेली गछर मूळरे बा चेररे दैवी शक्तिमानंकर बास होइथाए। आपण देखिथिबे चमेलीर जेउ चेर थाए ताहा हनुमान महाराजांकु समर्पित होइथाए।
एथिरे प्रभु हनुमानकर दैवी शक्ति रही थाए। जेउ लोक माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करने को चाहूंती, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करने को चाहूंती, जेउ लोक मंत्र को सिद्धि करने को चाहूंती, जेउ लोक आरोग्य रहा चाहूंती, एमिति व्यक्ति चमेली जो चेर होता है अवश्य आणवा उचित। चमेली जो चेर होता है नवरात्रि समय आसतु एवं यह नौ दिन पूजा करतु। नौ दिन न करि पारिले कम से कम गोटे दिन पूजा करदे। पूजा करने चांदीर ताबिजरे पुराई किंबा तंबार ताबिजरे पुराई धारण करतु। आपण दशहरा दिन यह धारण करतु तो यह द्वारा दैवी शक्तिर प्राप्ति होता है, अलौकिक शक्तिर प्राप्ति होता है। प्रभु हनुमानंकर कृपा बर्षी थाए, आपण सर्वदा निरोग रही था। द्वितीय अपमार्ग गछ, एहाकु केते स्थानरे गुगुचिया नामरे मध्य जणा जाय थाए। आपणंक स्थानरे एहाकु केउ नामरे जणा जाय आपण तळे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणाइबे। एहाकु अपमार्ग कोण पय जणा जाय ना, एहार जेउ बीज होइथाय एहा उल्लटा रही थांती, एथिपाई एहाकु अपमार्ग कहिथांती, अर्थात एहा दुनियाठु उल्लटा चली थाए। अपमार्गर संत महात्मा लोक सबुठारु अधिक प्रयोग करिथांती। अपमार्ग जेउ होइथाय एहारो बीजर खीरी बनाई करी खाइबा द्वारा तीस दिन पर्यंत भोक सुस लागि नथाए, सेथिपाई एहाकु एहारो बीज को संत महात्मा माने एहारो खीरी बनाई करी खाइथांती एवं अधिक समय पर्यंत साधना करिथांती। तो बंधुगण एहाकु केबे पिंधिबा दरकार, केबे धारण करिबा दरकार, नवरात्रि समय रे दशमी तिथि रे आपण एही गच्छ को बा एही गच्छर चेर को धारण करि पारिबे। आपण एहाकु धारण करिबा परे आपणकर शत्रु मानकर नाश करिथाए। एक खास कथा, जेउ लोक वशीकरण प्राप्त करिबा को चाहूछंती कि समस्त लोक तांकु देखिकरि सम्मोहित होइ जानतु, केवल तांकर ही कथा मानंतु, केवल एमिति व्यक्ति अपमार्गर चेर निश्चय धारण करंतु। एहार चेर को धारण करिबा परे आध्यात्मिक उन्नति होता है, भाग्यर ताला खुली जाए थाए। आपण जेउठा को जातु ना कहीं लोक मैंने आपण को देखिक आकर्षित हेबे, आपणकर वशीभूत होइजिबे। तबे एहाकु अवश्य धारण करंतु। एहाकु पिंधिबा परे जेउ नवग्रहंकर पीड़ा होइथाए ताहा तत्काल दूर होइथाए, जेमिति कि शनि पीड़ा, राहु केतु दशा, तृतीय रे बरगछर जटा, एहा भाग्यर ताला खुली थाए। राताराति आपणकर भाग्य को चमकाई थाए। बरगछर जो जटा थाए आध्यात्मिक दृष्टि यहाँ बहुत ही पवित्र माना जाए थाए। एवं आमर हिंदू धर्म बरगछ को देववृक्ष माना जाए थाए। देववृक्ष कौन पर कहा जाए थाए कहीं बट सावित्री दिन आपण निश्चय देखिथे यही बरगछर पूजा होता है। जो बरगछ थाए से समस्त देवी देवता शक्ति समाहित रही थाए। बर गछरे पितृपुरुषंकर मध्य बास होइथाए। बर गछ को भगवान शंकरंकर स्वरूप मध्य माना जाय थाए। तो आपण जदि आपणकर भाग्य को चमकाइबा को चाहूछंती, आध्यात्मिक उन्नति करिबा को चाहूछंती, तो नवरात्रि रे नौ दिन पूजा करिबा परे बर गछर जटा अवश्य धारण करिबे। बर गछर जटा धारण करिबा परे आपणकु 20 रु 25 टी चमत्कारी फायदा मिलिथाए, जहाँकि मु आपणकु आगामी वीडियो रे बताइबी। चतुर्थरे धरा अरख गछर चेर, धरा अरख गछ को भगवान गणेशंकर स्वरूप माना जाए। जेऊ 11.5 वर्षर पुरुणा धरा अरख गछर चेर होइथाए ताहा भगवान गणेशंक सुंदर आकृति नै जाइथाए। भगवान गणेशंकु रिद्धि सिद्धि शुभ लाभर भगवान बोली कुआ जाइथाए। तो जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैराग्यर लाभ प्राप्ति करने को चाहती, तेब अरख गछर चेर नवरात्रि में नहीं आसतु। यही धरा अरख गछर चेर को नवरात्रि में दुई दिन पूजा करदे। यापर आपण दशमी तिथि धारण करद्वारा आपण को बहुत बेसी लाभ प्राप्ति होता है। अरख गछ को भगवान गणेशंक स्वरूप बोली कहा जाए। अरख गछ को धारण करने नवग्रह पीड़ा दूर होता है, खास कर बुध ग्रह पीड़ा दूर होता है। शेषे अपराजिता, अपराजितार चेर कौन पर धारण करने दरकार। जो अपराजिता पुष्प होता है यह माता लक्ष्मी अत्यंत प्रिय होता है। अपराजिता पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत बेसी पसंद अटे।
ଏବଂ ଅଧିକତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଜଡ଼ିବୁଟି ଶକ୍ତି ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଜଡ଼ିବୁଟିର ଶକ୍ତି ତାହା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପଥର ଭାବିଥାନ୍ତି। ମାନିକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତଥାପି ବି ପଥର ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି ତ ପଥର ବି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଚେର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମର ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।